अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का सीन ये है कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ को छोड़ के सिर्फ वीडियो देखने पर गौर करना है। उसका रीज़न ये है कि आपकी बहन का गला बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी बहन भी बीमार है, मेरी अम्मा का गला भी ख़राब है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोग, इस स्मोक की वजह से जो है ना हमारा बेड़ा गला घूम गया है। और जब नानों के घर गई थी उस दिन आपकी बहन ने बहुत बदपरहेजी की थी, बहुत कोक पी पी, उसके बाद यूनिवर्सिटी जब गई आइसक्रीम खा ली, गला बिल्कुल शहीद हो गया मेरा। बाकी आज का सीन ये कि हम लोग जा रहे हैं आज रहमत मार्केट, मेरी बहन को शौक चढ़ा हुआ है और इस एरिया की मार्केट का पहला टूर है हमारा। सो लेट्स डू दिस कि हम लोग देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन है क्या नहीं है। तो बस अब हम लोग ऊपर करानी है, इन ड्राइवर जो भी होता है वो करानी है और फिर बस निकलना है। और एज़ यूजल हमारी शाही सवारी हमें लेने आ चुकी है। हमारे घर से कोई मेरे से 15 मिनट का रास्ता है और स्मोक अभी से इतनी हो गई है। जनाब हेयर भी यार, ये लिटरली मुझे ना ओरिगा की वाइब दे रही है बिल्कुल। वैसे हमारे वहाँ पे ओरिगा मार्केट है ना, सारी वैसे बनी हुई है, ये सारा वैसे का वैसे ही है। खैर अब हम घूमते हैं, विजिट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ का। सारा सुनाइयो बिल्कुल ओरिगा वाला, बिल्कुल ओरिगा वाली वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है हम लोग ओरिगा में आ गए हैं, अपने लाहौर में वापस आ गए हैं। मतलब हम लोगों को कभी इतना फील हुआ नहीं है, लेकिन अब हो रहा है कि बाहर वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। बाहर वाले मतलब वहाँ पर भी सेम इसी तरह का सीन होता है। डंकी ले लो, असल में तैयबा है ना अपनी बर्थडे का सूट लेना। तो इस दिन आपको चाहिए कुछ अट्रैक्टिव सा, कुछ अच्छा सा। So elegant, just looking like a wow वाला लेना है इसने सूट, इसलिए हम लोग इसको ओरिगा मार्केट यहाँ उठा लें। नहीं मतलब ओरिगा मार्केट वेलेंशिया रहमत मार्केट को हमने इसका नाम दे दिया। और जब आप इस तरह का कोई देख रहे थे ना हम सीन, तो ये हमें अनारकली वाली वाइब दे रहा था कि अनारकली जैसे बाजार नहीं था कि इसमें इस तरह से ज्वेलरी वगैरह की शॉप थी। तुम ले लो अपनी सालगिरह के लिए। अनारकली वाली वाइब्स भी आती हैं, शेरा वाली वाइब्स भी आती हैं, पता नहीं क्या क्या वाइब्स आती हैं यार इस पूरी मार्केट की। तो एक अलग ही मार्केट है, नीचे भी है, बेसमेंट में भी सारी वो टॉयज हैं, टॉयज देख के आते हैं हम जाके। पूरी मार्केट घूमने के बाद हमें एक वेस्टर्न शॉप की वेस्टर्न दुकान मिली है। मेरी बहन, आपकी बहन का ना इस तरह के कपड़े पहनने का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरी अम्मा मुझे नहीं पहनने देती हैं यार। वो कहती है नहीं वही याद लगोगी कपड़े पहन के ऐसे, लेकिन ये बहुत कूल लगती है यार डंकी पहनी हुई। बट खैर तई मैंने वाइट जीन्स लेनी है, मैंने भी एक वाइट जीन्स लेनी है, वो लेनी है। इस तरह के ना लॉन्ग लॉन्ग सॉक्स लगे हुए हैं इस तरह के लंबे लंबे, तो डंकी भी लगी हुई है इधर एक। मैं डंकी पहन पहले, अच्छा पहले तो ये बड़ा शौक चढ़ा हुआ था डंकियाँ पहनने का, छोटी थी ना। हाँ जी जनाब, तैयबा और उसके मजाफात में जो है ना कपड़े सेलेक्ट करने का टाइम हुआ जाता है। कपड़े नहीं दिखाने अभी, ये तुम इसको जरा सही तरह एडजस्ट करना मेरे पैसे। बॉल का 20 आ रहा है। नहीं, ये जनाब तैयबा और उसके मजाफात में जो है ना कपड़े सेलेक्ट करने का वक्त हुआ जाता है। कपड़े दिखाओ। ये कितने का है? बर्थडे का सूट लेना है इस बंदी ने, लेकिन पागल कर दिया हमें। दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट काम की सारी चीज़ें मुझे पकड़ा दो, मुझे दुनिया के एक कोने में बिठा दो ताकि मुझे हिलना ना पड़े। आप वो दोनों सूट सेलेक्ट करिए और मैं मजे से सारी चीज़ें चीज़ें पकड़ के बैठ गई कि मुझे उठना ना पड़े। हाँ बहुत नहीं नहीं, तुम्हारी तरफ नहीं है कैमरा यार, इसमें ना एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। ठीक है, अच्छा लगा। तैयबा की बर्थडे का फ़ायदा ये होता है कि उसकी बर्थडे के साथ साथ मुझे भी सूट मिल जाता है, क्योंकि मेरी अम्मा जी कभी भी जो है ना एक सूट नहीं लेके आती हैं, हमेशा वो दो ही सूट लाती हैं। तो इसलिए अब तैयबा की बर्थडे है लेकिन सूट मुझे भी मिलेगा। अब देखो अब मेरा सूट कौन सा सेलेक्ट करती है, वो भी घर वालों ने सेलेक्ट करना है, मैं नहीं सेलेक्ट करती। ठीक है, जो पसंद आए ले दो मुझे। अभी जितने लगे हैं ना सारे, इनमें से इसे नहीं सेलेक्ट करना है कि कौन सा पहनना है। अब इसने पता नहीं कौन सा सेलेक्ट किया है, मुझे भी नहीं बताया इसने खुद कौन सा किया, अब मेरे लिए भी खुद ही ढूंढ रही है। लेकिन मैं यार ये ब्लैक देख लो, अरे ब्लैक इसमें एक और कलर लगा हुआ है। हाँ है ये लगा हुआ बाकी ग्रेश सा। ये दुपट्टा नहीं, नहीं ये दुपट्टा, ये हर जगह यही मेरा ही दुपट्टा। ये वाला दुपट्टा भी उसके ऊपर जो ब्लू, इज इट नाइस? ये वाला, इसमें कोई और कलर नहीं है? नहीं तो कलर तो नहीं, लेकिन इसके अलावा ये ब्लैक सूट है, ये ज्यादा बेहतर है। ब्लैक ब्लैक अच्छा लग रहा है ना।
जाहिर है मामा की खोलना अपनी गाहें मुझे देखनी ब्लैक कलर की बाहर निकलकर सर्दियों में सूप पीना कंपलसरी है हम दोनों बहनों का मतलब घर वालों का। उसके अलावा मेरा मीठी मकई और मूंगफली लेना एक कंपलसरी चीज़ है और उसके अलावा का लड्डू पिठी मिली है वो बहुत कंपलसरी है। ये लो पकड़ लो ये हरी टेस्ट उनको पता था हम तीन लोगों ने खानी है उन्होंने एक प्लेट के अंदर ही तीन चमचियाँ लगा दी हमें। 500 किस चीज़ का घर जाने का। हाँ जी उसने मीठी चटनी नहीं डाली इसके ऊपर डाली है छोटे है यार नॉट बैड अभी तक भी एक चम्मच बेटा और देना ये लो रहने तो है हम ये टाइम अब हमारे जाने का ये इतना सा मतलब इतना सा नहीं है एक अच्छा खासा बाजार है और ये आपको तीन चार बाज़ार की वाइब्स देता है आपको इछरे की वाइब्स देता है आपको शेरावाले की वाइब्स देता है आपको ओरिगा की वाइब्स देता है अनारकली की वाइब्स देता है। उसके अलावा जब शाम में भी जब फोग थी तो ये इवन मरी माल रोड वाली वाइब्स भी दे रहा था। तो खैर यार अच्छा लगा हम लोगों का पहला टूर अच्छा रहा और हम लोगों ने शॉपिंग शॉपिंग भी कर ली है नाइस विजिट हमारा। तो बनाते जाओ भाई लिस्ट बना रही हूँ मैं तो खुद बना रही हूँ बट कराई कॉपी करें ये हमारे लक्ष्मी चौंक वाले बट ऐसे होते हैं बिल्कुल सामने केशन वेक्स लगता है। सबसे मेन चीज़ यार मेरी अम्मा बहुत मुतमिन है कि उन्हें फाइनली बाज़ार मिल गया जहाँ पे वो ना सुकून से शॉपिंग कर सकती हैं। थकावट हो गई है और टेबल लिटरली आके वो सूट ट्राई किया इतना प्यारा लग रहा था बहुत 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 प्यारा लग रहा था। और यार वो उनके अंकल के कपड़े बहुत अच्छे थे उससे मेन चीज़ उनका स्टफ बहुत ही प्यारा था। अब मैंने अपना सूट अभी ट्राई नहीं किया मैं ओवरऑल मैं जिस दिन इसकी बर्थडे होगी ना उस दिन तैयार हो के फिर बताऊँगी कि किस तरह का किस तरह का लग रहा है सूट। पहले नहीं दिखाऊँगी शो खराब हो जाएगी लेकिन ये बंदी पहन के ट्राई कर चुकी है सूट लेकिन इसको बहुत सूट किया था बहुत ज़्यादा मैंने जो पहना लेकिन अभी जिस दिन मैं पहनूंगी ना उस दिन देखना बस यस यस। खैर अब हम लोगों का व्लॉग एंड होता है यहाँ पे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए आपने बस ये कहना है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़ ओ चवल इंसान